हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम आपके लिए लेके आ गए हैं नई वीडियो। आज हम आपको बताएंगे कि आप घर पे ही कैसे शावर ट्यूब को सही कर सकते हैं बिना किसी कोर्स से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी है शावर ट्यूब। शावर ट्यूब हमारी लगती है हैंड शावर में और हेल्थ फॉल्सेट में लगती है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, ये लीकेज होनी शुरू हो जाती है। इसकी लीकेज कहाँ से होती है? मोस्टली यहीं से होती है। तो उसके बाद आप क्या करते हो, आप इसको सही करने की जगह आपको ये वाली पूरी पाइप है जो नई लानी पड़ती है। तो मार्केट में इसकी कॉस्ट भी आपको पड़ जाती है, ये महंगी आइटम है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर पे ही। आपको बस 5 रुपये में आपकी फेविक्विक में ये सही हो जाएगा। इसमें नॉर्मल क्या होता है, इसमें कोई पंच नहीं होता, इसमें नॉर्मल पाइप होती है पतली। तो इसको आप निकाल दीजिए नीचे करके, इसको आप इस साइड को घुमाओगे तो ये खुल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं नीचे पाइप है। तो उसके बाद घर पे कोई भी प्लास ले लीजिए, उससे इसको घुमा के ये आपका बाहर आ जाएगा। जैसे अब आप देख रहे हैं, बस ये नोज़ल लगी हुई है, नोज़ल के पीछे सिंपल पाइप है। अगर आपकी पाइप यहाँ से कट हो रखी है तो आप कटर लेके पाइप को, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसको यहाँ से काट दीजिए। ये वाली पाइप निकाल के ये वाली आपकी पाइप है जो निकल जाएगी यहां से काट के। तो आपकी जितनी भी यहाँ से पाइप आपकी लीकेज है, अगर यहाँ से कटी हुई है, आप यहाँ से काट के इतने ही सिंपली इसको दोबारा इस नोज़ल पे चढ़ा दीजिए। अगर कोई ग्लू लगानी है आप वो लगा सकते हैं, फेविक्विक लगा सकते हैं हल्की सी, कि यहाँ से लीकेज दोबारा ना हो। तो आपका 5 रुपये पे ही काम हो जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से इसमें कर देना है। इसके बाद ये आपका ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे सिंपली ऐसे लग जाएगा और ये आपकी शावर ट्यूब रिपेयर हो जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है इसको सही करने का। इसमें आपको कुछ भी काटना नहीं पड़ेगा, कुछ भी तोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल इसको खोलना है, पाइप को निकालना है, नोज़ल में लगाना है और वैसे ही इसको असेंबल कर देना है। तो आप अगर यहाँ पे हल्की सी ग्लू लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपका नीचे नहीं गिरेगा, ये आपका फिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो आपका ये आपकी शावर ट्यूब है जो रेडी हो जाएगी। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिले। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप बताइए हमें। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।